ये है हमारा नया घर का नक्शा। आज इसी के संडार में आज कलम का गड्ढा खोदेंगे। बहुत सारे जगह पर देखे गए हैं कि जब कलम का गड्ढा खोदे जाते हैं उसके बाद जब कलम खड़ा किए जाते हैं तो के बीचों बीच कलम खड़ा नहीं होता है, सीधा उधर साइड में आ जाते हैं। आज इसी के चलते ये वीडियो बनाए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। 37 फुट 7 इंच एक साइड का सेंटर है, इसको पहले सेंटर ले लिया और दोनों साइड ही सेंटर को बराबर ले लेते हैं। और इसका दूसरा साइड है 34 फुट 8 इंच, अभी सेंटर ले लेना है इस तरह से। और रस्सी थोड़ा दूर लगाएं ताकि हमारा सेंटर पूरा अच्छे से दिख जाए इस तरह। 51 फुट 2 इंच हो रहे हैं इसका कोने कोने से माप इस तरह से। अब देखेंगे इसका दूसरा साइड, अगर उस साइड भी इससे थोड़ा सा ज़्यादा या कम होगा तब इसका सेंटर लाइन समझोगे टेढ़ा है। और अगर इसका सेंटर लाइन पूरा परफेक्ट सेम माप आ जाएगा तब समझ लेना कि ये सेंटर लाइन हमारा पूरा सही है। जैसे कि हमारे दूसरा साइड भी 51 फुट 2 इंच है क्योंकि लगभग ये पूरा परफेक्ट है। जब ये पूरा परफेक्ट हो जाएगा फिर उसके बाद लेंगे इसका जो अंदर का कलम का गड्ढा है उसी का सेंटर ले लेंगे उसके बाद में इस तरह से। जो कि 2 फुट 2 इंच था एक कलम का दूरी, फिर उसके बाद 12 फुट 5 इंच है कलम का दूरी। इसके बाद तीसरे कलम का दूरी है 11 फुट 5 इंच। सभी कलम का सेंटर लाइन इस तरह से ले लेना है। अब सभी कलम का सेंटर लाइन पर रस्सी लगाना कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसका गड्ढा खोदने का माप करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर 4 फीट का जाली लगाएंगे, इसीलिए यहाँ पर 5 फीट का गड्ढा खोदेंगे। इस तरह से गड्ढा खोदने पर हर एक कलम जाली का बिल्कुल सेंटर में खड़ा होगा, इधर उधर भी थोड़ा सा भी नहीं जाएगा।
We'll be right back.